अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको WhatsApp की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप किसी भी अपने फ्रेंड की चैट को अपने मोबाइल में देख सकते हैं। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंड है, ठीक है, तो आप वो किसी और के साथ WhatsApp पे बातें करती है तो उसकी सारी चैट अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि वो और आपके सिवा किस के साथ क्या क्या बातें कर सकती है। मतलब WhatsApp उसका सारा डेटा अपने मोबाइल में बिना उसका मोबाइल लिए जो है वो घर बैठे देख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सारा तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर चैनल पर नए मेहमान तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके इस खबर से आपको कुछ नहीं जाएगा, इससे मेरा बहुत भला हो जाएगा। उसमें उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब करोगे। आपका टाइम ना वेस्ट करें, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोगों ने जिस भी अपनी फ्रेंड की चैट को अपनी मोबाइल में देखना है कि वो और किसके साथ क्या क्या बातें करती है, उसका सारा व्हाट्सअप आपको अपनी मोबाइल में देखना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उस बंदे या उस बंदी की या उस फ्रेंड की आपने चैट को ओपन करना है। सिंपल, चैट को जैसे आप ओपन करते हैं, ठीक है, जो चैट आपके साथ हुई होती है उसके बाद आपको यहाँ पर तीन डॉट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपने क्लिक करना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वीडियो कंटेंट, रिपोर्ट, ब्लॉक, सर्च, म्यूट नोटिफिकेशन, वॉलपेपर और मोर का। आप लोगों ने सिंपल मोर पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप मोर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको मीडिया लिंक एंड डॉक्यूमेंट्स, क्लियर चैट का, एक्सपोर्ट चैट का, एडिट शॉर्टकट का, तो आप लोगों ने एक्सपोर्ट चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट चैट ऑप्शन ये आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पर, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्लूड मीडिया विल इंक्रीज द साइज ऑफ चैट एक्सपोर्ट। आपने वीडियो आउट मीडिया पे क्लिक नहीं करना, आपने इंक्लूड मीडिया पे, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, आपने इंक्लूड मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आता है, उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा ये ऑप्शन देखे, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन आपका किस तरह आएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ, ये सारी चैट, जितनी भी चैट उसने की है, टोटल मैसेज आप देख सकते हैं, जिस भी बंदे के साथ वो चैट करती है सबके चैट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एक साल पुरानी चैट हो, पाँच महीने चैट हो, ये देख सकते हैं उसकी सारी चैट मेरे सामने आ गई है। इस तरीके से दोस्तों उसकी सारी चैट आप पढ़ सकते हैं और बाकी नंबर भी देख सकते हैं कि बाकी कौन कौन से नंबर है, कौन कौन सा क्या क्या सीन उसने कर रखा है, ठीक है, फोटोज़ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, तो बाकी आप इस तरीके से चेक जो है वो कर सकते हो। दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका किस तरह आएगा, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन लाने के लिए आप लोगों ने जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगी। जैसे दोस्तों आप वो इंस्टॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका ऑप्शन आ जाए। ऐप आपको कहाँ पे मिलेगी वो आप लोग जान लें। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके टाइटल पे इधर आपने क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन वाले जगह पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऐप डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिलता है, इधर आप जैसे क्लिक है इधर से आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को लाजमी यहाँ से लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कॉमेंट्स आपने ठोक देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।